हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल MMGM फन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मुन्नार के बारे में, जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। हम टिकिडी विजिट करने के बाद मुन्नार के लिए रवाना हो गए। ये टिकिडी से 85 किलोमीटर यानी कि 3 घंटे की दूरी पर है। रास्ते में हमने खूब इंजॉय किया, नेचर का मज़ा लिया एंड एक दो जगह रुके भी और यहाँ पे नेचर का आनंद लिया। मुन्नार हिल स्टेशन बहुत खूबसूरत है। रास्ते में एक ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ पे गूगल ने शॉर्टकट के चक्कर में हमें ऐसे रास्ते पे ले गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, और ये शायद पहले यूज होता होगा लेकिन अभी हाईवे बन गया है। ये हमारे लिए बहुत कठिन था क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का चढ़ना भी मुश्किल हो रखा था और हमारे लिए एक ट्रेकिंग वाला दिन बन गया था। ऐसे बेकार जगह पे रास्ता दिखाया है, गूगल ने सबकी हालत पतली कर दी है। स्टे बुक करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम टी गार्डन विजिट करने के लिए निकल गए। टी गार्डन का व्यू जो आप देख रहे हैं ऊपर ड्रोन से, उसको देख के आपको अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये कितना प्यारा व्यू है। दूर दूर तक सिर्फ टी गार्डन ही देखते हैं और शायद इसीलिए ये साउथ इंडिया का एक बहुत पॉपुलर हनीमून स्पॉट है। यहाँ पर विजिटिंग करने के पैलेस जो है वो फोटो पॉइंट है, इको पॉइंट है, मैदुपेटी डैम है, ब्लूजम गार्डन है, पर ये ब्लूजम गार्डन के लिए आपको अक्टूबर नवंबर में विजिट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ब्लूजम में नीला कुरंजी जो फ्लावर है उसकी फ्लावरिंग अक्टूबर नवंबर मंथ में होती है। फिर हमने आके केरला के ट्रेडिशनल थाली जिसे सद्या कहते हैं उसका आनंद लिया। ये सद्या केला के पत्ते पर सर्व की जाती है। यहाँ की कड़ी बहुत टेस्टी लगी। यहाँ की कड़ी का टेस्ट इतना अच्छा था कि कड़ी खत्म ही हो गई थी रेस्टोरेंट में, तब तक खाते रहे। ये सारे लोग पहली बार एक साथ केरला में आके सद्या का टेस्ट लेते हुए। हम शाम को मोडुपट्टी डैम की तरफ भी गई, वहाँ पे कुछ शॉपिंग किया, मोडुपट्टी डैम के व्यू का आनंद लिया। मुन्नार से 3 रोड निकलते हैं, एक कोम्बटूर की तरफ जाता है, एक कोची की तरफ जाता है और एक तेक्कडी की तरफ जाता है। तीनों रास्तों पर मुन्नार के कई सारे व्यू पॉइंट हैं और आपको लोकली ऐसे मैप मिल जाएंगे जो इन सब का लोकेशन बताते हैं, तो आप अपने विजिट उसी तरीके से प्लान कीजिए कि एक रोड की तरफ जाते हुए सारे व्यू पॉइंट कवर करके आए। मडुपट्टी डैम के पास में ही एक इको पॉइंट भी है जहाँ पे आप चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ गूंज के वापस आती है। हम निकल गए शाम के सनसेट व्यू पॉइंट के लिए। सनसेट व्यू पॉइंट माउंट आबू के गुरु शिखर जैसा है और वहाँ से साइलेंट वैली का एक सुंदर नज़ारा। और हमारी शाम का जो खाना था वो महारानी रेस्टोरेंट में हुआ। ये महारानी रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन फूड भी सर्व करता है और खाना बहुत टेस्टी था। अगर आप केरला में नॉर्थ इंडियन फूड मिस कर रहे हो तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है महारानी रेस्टोरेंट, वहाँ आपको नॉर्थ इंडियन फूड का जायका भी मिल जाएगा। मुन्नार फेमस है ब्लूजम गार्डन के लिए, ये नीला कुरंजी गार्डन के नाम से भी फेमस है और इसकी फ्लावरिंग अक्टूबर और नवंबर मंथ में होती है, तो मुन्नार विजिट करने का सबसे बेस्ट मंथ आपके लिए अक्टूबर और नवंबर होगा। हम एक दिन ही रुके मुन्नार में और दूसरे दिन हम कोची के लिए निकल लिए।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।